नमस्कार दोस्तों। तो जब भी आप फ्लूट्स बांसुरी की बात करते हैं तो सबसे पहले सवाल आता है कि ये फ्लूट्स इतनी टाइप की क्यों होती हैं, इनकी अलग अलग स्केल्स क्यों होती हैं, कौन सी फ्लूट हम परचेस करें, आपके पास है तो क्या नई परचेस करनी चाहिए आपको या नहीं। तो इन सब सवालों पर हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आप एंड तक वीडियो ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके अलावा अगर आप चार्ट चाहते हैं इस लिस्ट का, बांसुरी की लिस्ट का, तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है। सबसे पहली बात कि फ्रूट्स कितने टाइप की होती हैं। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो मीडियम फ्रूट्स एंड बेस फ्रूट, ये दो तरह की फ्रूट्स की टाइप होती है, मीडियम और बेस फ्रूट्स। अब इनका मतलब क्या है? मीडियम का मतलब होता है कि 19 इंच से छोटी फ्रूट्स, ठीक है, 19 इंच पर होती है हमारी सी नेचुरल फ्रूट, सी नेचुरल मीडियम जिसको हम बोलते हैं। तो ये है 19 इंच की, इसकी स्केल है सी नेचुरल। इसका क्या मतलब है? स्केल फ्लूट की वो होती है जब हम तीन होल क्लोज करते हैं और जब हम साउंड निकालेंगे तो जो फ्रीक्वेंसी निकल के आएगी, जिसको हमने म्यूजिक कॉन्सेप्ट में नाम दे दिया है, पर्टिकुलर एक नाम, जैसे आपका कुछ नाम होगा उसी तरीके से हमने इनके नोट्स को नाम दे दिया है। अब फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? जैसे आप इसको प्ले कीजिए, तीन होल क्लोज करके, जिसको हम सा बोलते हैं, तो ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर निकल रहा है। अगर मैं चेंज करूंगा तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, ध्यान से सुनिएगा। चेंज हो गई यहाँ पर, यह है रे नोट, ठीक है, आप भूल जाइए रे क्या है, सा क्या है, बस थोड़ा सा चेंज हुआ है, आवाज में चेंज हुआ है। तो इसी चेंज को हमने नाम दिया फ्रीक्वेंसी का। अब उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर उसकी पर्टिकुलर एक वैल्यू होगी, तो उस वैल्यू को हमने नाम दे दिया ए बी सी डी ई एफ जी। तो इस तरीके से म्यूजिक का कॉन्सेप्ट है। अगर आपको डिटेल में सीखना है तो आप मेरा बैच ज्वाइन कर सकते हैं, कोर्स भी परचेस कर सकते हैं। अब बात आती है कि मीडियम को हमने नाम दे दिया 19 इंच से छोटी, तो 19 इंच पर होती है अपनी सी नेचुरल, ठीक है। तो जैसे जैसे आप उसकी लंबाई, यानी फ्लूट की जो लंबाई है, ये अपनी लंबाई अगर इसको आप कम करते जाएंगे तो उतनी ही जो उसकी आवाज है वो पतली होती जाएगी, ठीक है। ये 19 इंच की सी नेचुरल, इससे छोटी होगी सी शार्प 18.5 इंच, उससे छोटी होगी डी नेचुरल 18 इंच, फिर होगी डी शार्प, फिर होगी ई, फिर एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए, ए शार्प, बी। इस तरीके से अपनी 12 मीडियम फ्लूट्स हो गई, कहां से कहां तक, सी नेचुरल से लेकर बी नेचुरल तक, ठीक है। ऑर्डर आपको पता होना चाहिए अभी तक, अगर आप सी म्यूजिक से जुड़े हैं, तो नहीं पता है तो आप मेरा कोर्स परचेस कर सकते हैं जिसमें मैंने डिटेल में समझाया पूरा, ठीक है। अब मीडियम के बाद आती है बेस फ्लूट्स। बेस फ्लूट्स क्या होता है? सी नेचुरल से बड़ी, जो सी नेचुरल मीडियम है उससे बड़ी फ्लूट्स, ठीक है। तो सी नेचुरल मीडियम थी अपनी 19 इंच की, फिर से उठाता हूं मैं, ये 19 इंच, अब इसकी मैं लंबाई बढ़ाता गया तो लंबाई बढ़ेगी, तो ये जो डायमीटर है यानी कि जो इसकी गोलाई है वो भी बढ़ती जाएगी। इसी तरीके से जब हम इसकी लंबाई छोटी करेंगे तो जो इसकी गोलाई है वो भी उसी रेशियो में कम होती जाएगी, ठीक है। अब ये आपको याद नहीं करना है कि इसकी गोलाई कितनी है, लंबाई कितनी है, नहीं, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। अब बेस फ्रूट्स क्या होंगी? जैसे ये 19 इंच, तो इससे थोड़ी सी बड़ी 20.5 इंच, वो होगी बी बेस, ठीक है। अब आपको ये ऑर्डर ध्यान रखना है कि जैसे एक ऑक्टेव आपने पकड़ा, यहां से स्टार्ट कीजिए बी, ए शार्प, ए, इस तरीके से आपने सी तक गए, बी से लेकर सी, फिर इसके बाद फिर से एक ऑक्टेव आएगी सी, उससे पहले क्या आएगा बी, ए शार्प, ए, जी शार्प, जी, इस तरीके से। तो ये हमने दो ऑक्टिव यहाँ पर इमेजिन कर ली, तो इस बी से लेकर इस सी तक स्मॉल फ्रूट्स, सॉरी मीडियम फ्रूट्स, फिर यहाँ से इस बी से लेकर आगे तक सी बेस तक वो हो जाएंगी बेस फ्रूट। तो इसी तरीके से जैसे मैं आपको बताऊँ, ये 19 इंच, 20.5 इंच बी बेस, फिर उसके बाद समथिंग 22 अराउंड इंच होगा, वो होगा ए शार्प बेस, देन 23 इंच ए बेस, इस तरीके से साइज बढ़ता जाएगा। तो सबसे बड़ी फ्रूट होती है वो है सी बेस, जो कि होगी 36 इंच की, ठीक है। यह 19 इंच की जो कि सब लोग प्रेफर करते हैं, मोस्टली बिगनर्स। अगर आपको खरीदना है तो आप, मेरे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, मेरी ही कंपनी की फ्रूट है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मेरी टीम आपके लिए है हमेशा सपोर्ट करने के लिए, नंबर हमने दिए होते हैं, तो जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी आपकी डाउट है, वो आप मेरी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फ्रूट परचेस करने के बाद। अब मैं आपको थोड़ा साउंड सुना देता हूं, जैसे ये है जी बेस, जी बेस, बेस का मतलब क्या है? थोड़ा भारीपन, थोड़ा उसमें डेप्थ आ जाएगी। इसका डायमीटर देखिए थोड़ा बड़ा है, मैं आपको दिखा देता हूं, ये है सी नेचुरल ये वाली, और ये है जी बेस, ठीक है, जी नेचुरल बेस। अब इसका जो साउंड होगा वो थोड़ा भारी होगा, थोड़ा डीप होगा, थोड़ा सूदिंग होगा, अब इसको बजाने में क्या प्रॉब्लम आएगी कि इसकी एक तो लंबाई ज्यादा है, तो जब आप स्टार्ट करते हैं सीखना, जब आप बिल्कुल पहली बार लेकर आए हैं फ्रूट, तो आपकी जो फिंगर्स हैं उसको प्रॉब्लम होगी। किसमें प्रॉब्लम होगी? कॉन्सेप्ट तो सेम रहता है, जो भी आप फ्लूट ले रहे हैं सभी में कॉन्सेप्ट सेम है, लेकिन जो इनकी दूरी है, होल्स की दूरी है, तो वहां पर आपकी फिंगर्स पहुंचने में प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए हम सी नेचुरल मीडियम प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो बीच में आती है।
सी नेचुरल मीडियम, उससे छोटी होंगी कुछ फ्रूट्स, कुछ फ्रूट्स उससे बड़ी भी होंगे, ठीक है। तो बेस फ्रूट्स में जो रेशियो है वो ज़्यादा बढ़ेगा, जैसे ये है जी बेस, तो इसमें आप गैप देखेंगे, फिर से मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे कंपेयर कीजिए आप, ठीक है। तो ऐसे अगर मैं सी नेचुरल है मीडियम और सी नेचुरल बेस ले लूँ, तो उसमें जो गैप है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। आप देख सकते हैं साइज से, इसके 19 इंच और सी नेचुरल बेस होगा 36 इंच का, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, काफ़ी उसमें होल्स जो है उसकी गैप बहुत ज़्यादा होता है। तो ये थोड़ा सा फर्क था मीडियम और बेस फ्रूट्स का। इसके अलावा अलग अलग स्किल्स आती है, मैंने आपको बताया 12 तरह की स्किल्स होती है मीडियम में और 12 ही बेस होती है। तो ये आपके ऊपर है, अगर आपने थोड़ा बहुत बजा लिया है तो अगर आप और फ्रूट्स लेना चाहते हैं फिर आप स्किल पर जाइए। जैसे आपके पास अभी सी नेचुरल है तो आप अगली स्किल कौन सी ले सकते हैं, डी ले सकते हैं, ए शार्प ले सकते, कोई सी भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर पर्सनल चॉइस होता है वो, ठीक है। तो ये थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स हैं, और आप मुझे वीडियो में बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, ताकि आपकी कम्युनिटी को पता लगे कि कहाँ कहाँ पर मेरी वीडियो जा रही है और कहाँ पर ये व्यूज़ हो पा रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।